ईद आने वाली है, ईद दिया खुशियां उन्हां नूं हुंदियां ने जिन्हां दे सिर दे उत्ते मावां दे थाए हुंदे ने, खुशियां भी उन्हां नूं हुंदियां ने जिन्हां दे बाप ते मावां हुंदियां ने। अल्लाह दी कसम करिए थरमदा, ऐ दो डेढ़ दो साल पहले वड्डी ईद तो 8 दिन पहला मेरी अम्मी जी दुनिया तो डर गईया, मेरी अम्मी जी फौत हो गईया। ये जनाब ईद दा दिन आया, ईद दी नमाज पढ़ के लोग एक दूजे नूं गल नाल ईदी मिलदे ने, लेकिन यार मैनू मां दिया खाई जांदी है पई, मेरियां अखां ते बेसाख दा अथरू जारी हो गए ने। मैं अपने मुंह ते इंज रुमाल करके लोकां कोल मुंह छपाना पिया, मैं रोंदा रोंदा घर टुर गया, अपने कमरे विच जाके रो रिया। असी चार भरावा चमी भरा अपने अपने कमरिया ते बढ़ के अभी अम्मी नू याद करके उची उची रोनिया पे। अल्लाह दी कसम ईद दा दिन आंदा, कोई अपने सौरिया ते टुर जांदा, कोई अपने यारा नू ईद मिलन वास्ते टुर जांदा। ओए जिन्हां दियां मावां मर जा, ओए किधरे नहीं जे जांदे, ओए ईद दी नमाज पढ़ के उसे कब्रस्तान टुर जाते ने अपने मां बाप नू मिलन वास्ते, उन्हां नू कब्रस्तान जाना पैंदे। ईदां ते ओ शबरातां सब परदेसी करानू आए यो नहीं आते, यो नहीं जयते, परित मुहम्मदी ए मोदी जिन्ना नू ले जावे। असी चवी भरा रो रहे हैं कब्रस्तान दे, मैं कब्रस्तान दे अंदर उन्हां बेटियां नू तियां नू रोंदियां वेखिया, जिहड़ियां ईद दा दिन अपनी मां दी कब्र ते रोंदियां ने पईआं। ईद दा दिन असी अपनी अम्मी दी कब्र ते रो रहे हैं, दो भैणां ने बुरका उन्होंने पाया भी, नौजवान मेरिया भैणा एक कब्र ते रोंदिया ने पईआं, एक निक्की जी उन्होंने नाल बची है तकरीबन 5-6 साल दी है, वो कब्र दे उत्ते लेट दी है ते जनाब रो के कहंदी है आखे मामा जी उठे, मामा जी उठे ना मुझसे बात करें, मामा जी मुझे ईदी चाहिए, मामा जी मुझे आपने ईदी के कपड़े लेके नहीं दिए। अखे मामा उठे आपकी बेटी आई है, ओ बेटी जनाब रो रही है। ए जनाब मैं ताई ते कहना जिन्नू दुख लगा होवे, ओए जिन्नू सट वजी होवे, ओ जिन्नू लगी होवे लगियां वाले जानदे ने ए दुखिए दी गले, भाई दुखिया जाने ओ सुखिए नो की ए खबरा, ओ मां प्यो जिन्ना दे, ओ मां प्यो जिन्ना दे ए अज मौत ने मारे, और रोंदे ने तक तक कबीरा। दूजा कोशिश करो नमाज पढ़ो ते तर्जमा याद करके नमाज पढ़िया करो, ताकि पता लगे असी रब नाल गल कड़ी करनी आ पई यार, उहदे विच लुत्फ ज़्यादा आएगा। बंदा दुआ करदा रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ।
अल्लाह फरमांदा है बंदिया हुण अपने वास्ते दुआ कर रब्बा ना गफिरली कह के अल्लाह मेरे गुनाहों नूं माफ फरमा, मेरे गुनाहों नूं मेरी मगफरत अता फरमा। अल्लाह फरमांदा है मैं तेरे गुनाह करांगा माफ, तेनूं करांगा पाक। अगली दुआ जिहड़ी है वह मैं कोई आम हस्तियां नहीं, वो एक हस्ती का ना माँ है, दूजी हस्ती का ना बाप है। फरमाया मैं पहले तीनों गुनाहों तू पाक करांगा ते फिर दूजी दुआ तेरी माँ ते बाप वास्ते करावांगा। आखी रब्बा ना गफिरली अल्लाह मैनू बख्श, वाली वाली दईया मेरे माँ बाप नू बख्श। मैं कहना ईमानदारी नाल दसो बेटी है या बेटा है, जदों रोजाना ही पांच वक्त नमाज पढ़ के पांच वक्त नमाज के अंदर अद्धा हया के अंदर बैठ के रोजाना ही बंदा कहता है रब्बा ना गफिरली अल्लाह मैनू बख्श दे, वाली वाली दईया मेरे माँ बाप नू बख्श दे, रोजाना ही रब की बारगाह अंदर दुआ करता है, कदी ना कदी दे उत्तू आवाज आएगी जा बंदिया तेरी भी बख्शिश फरमा छड़ी आ, मैं रब तेरे मापिया की भी बख्शिश दा। कदी ना कदी वो भी रब है ना, ओदी जात बड़ी रहीम ते करीम है, कदी ना कदी आखेगा जाए तेनों भी माफ कीता है, तेरे मापिया नू भी माफ फरमा छड़ी आ। मैं कहना कुरान पढ़ के वेखो अल्लाह करीम ने मेनू तुहानू बार बार हुक्म दिता है कि मां बाप की हिदमत करो, इन्हां नाल हुसन सलूक नाल पेश आओ। बल्कि मेरे ते तुहाडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, हुज़ूर अली सलातो वसलाम ने फरमाया सी बहुत बड़ा बदबख्त इंसान है जिन्हें अपने मां बाप नूं दोवां नूं या दोवां विचों एक नूं बुढ़ापे विच भी पा लिया ते उहनां दी हिदमत करके ते रब कोल जन्नत ना लै सकिया। अज मैनूं तुहानूं जो कुछ भी मिलिया ना बंदे नूं अल्लाह ने गड्डियां दित्तियां ने, इज्जतां दित्तियां ने, कोठियां दित्तियां ने, कारोबार दित्ते ने, उहदे विच बंदे नूं बंदा पुछे ना भाई बड़ी मेहनत कीती होनी है तू, दिन रात मजदूरियां मेहनतां करके ते इत्थों तक ए मुकाम तक पहुंचिया है। जे ते हलाली होवेगा ते आखेगा नहीं ओए यार ये मेरा कोई कमाल नहीं, सच्ची पुछे ये चिट्टी दाड़ी वाले बुढ़े बाबे दा ते या मां दियां दुआवां दा कमाल है यार। अपनी अता फरमाया रब ने, अगर अज बलिया नूं वलायतां दा कीतियां ने ना बलिया नूं ते ओ भी मां बाप दियां दुआवां दे सदके अता फरमाया। यार ताईं ते मियां मुहम्मद बख्शा खड़ी ते बेंता जवान अता फरमांदे ने ना ए हिदमत मां प्यो दी ए करके यारो इतने हो के ने बली हजारा ओ पढ़ के वेखी ओ बंदिया पढ़ के वेखी ए कुरान अल्लाह दा ए जीने दे सारा पढ़ के वेखी ओ बंदिया पढ़ के वेखी वक्त रब का अल्लाह तअबुदो इल्ला وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ربنا اغفر لي
बंदा जदू रब दी बार गए अपनिया नजर झुका के अपनी गर्दन झुका के अपनिया अखां दे विच आंसुआं नूं बहा के रब दी बार गए ए बंदा रो के दुआ करदा अखे मौला ए मैनूं पता है मैं बड़ा गुनाहगारा पता अमाल तिया कारा अख मौला मैनूं पता मेरे नालों बदके गुनाहगार कोई नहीं तेरे नालों बड़ा बख्शन हार कोई नहीं अख मौला ए मेरे गुनाहों नूं माफ फरमा रब्बा नवफिरली मेरे गुनाह माफ कर दे फिर बंदा दूजी दुआ करदा है वली वाली तैया अख मौला ए मेरा बाप दुनिया तो डर गया ओ बाबा दुनिया तो डर गया ए जिन्ने मेरी हाथ दिने राती मजदूरियां करदा रिया ओ बाबा दुनिया तो डर गए ओ जिन्ना मेरी हाथ ए मजदूरियां करके मेरी हाथ ना सर्दियां ना गर्मियां वेखियां अखे मौला अज बाबा डर गए ए मेरे बाबे दी बख्शिश फरमा हाफिज असलम साहब जद बंदा दुआ कर दे फिर तसव्वुर दे अंदर ए मां ते बाप आंदे ने ए दुआ कर दे मौला ए मेरी मां दी बख्शिश फरमा दे ओ मेरी मां दुनिया तो डर गई है ओ जिने 9 महीने मेनू पेट विच रखिया मेरा बोझ उठांदी रही है अज ओ मां जुदाइयां पा गई है ओ मां दुनिया तो डर गई है ओ जड़ी मेरी हाथ है रातां नूं जागदी रही थी जदों सर्दियां दियां रातां मैं पेशाब करदा रिया ए मेरी मां आपी से आपी गिल्ली जगह सौ जांदी रही है ए मैनूं सुकी जगह सुला दिंदी रही है अख मौला अज ओ मां टुर गई है ओ मेरी मां जड़ी मेरी हाथ है ए लोकां दे घरां च कम करदी रही है ए मेरी मां ओ जड़ी अपने मुंह विचों ए चीज कढ के मेरे मुंह विच पांदी रही है या अल्लाह ए मेरी मां दी बख्शिश फरमा दे फिर मौला मेरी मां ते बाप दी बख्शिश फरमा अल्लाह दी कसम ओ बंदा सलाम बाद विच फेर दे अल्लाह फरमांदा मैं ओदी भी ओदे मां बाप दी भी बख्शिश फरमा देना फरमाया ओ बंदा सलाम बाद विच फेर दे मैं ओदी भी ते ओदे मां ते बाप दी भी बोलो बख्शिश अज असी ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦਸਵਿਆਂ ਤੇ ਖਤਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਾਓ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਵੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अक्सर जाइए ना तो कहते हैं कि अम्मा की शान सुनाया जे सुल्तानी सब परची आ मां की शान सुनाया जे मैं अज मां की शान ते मां की बड़ी याद आई है उदो मां कित्थे गई सी जो मां नूं दुनिया के अंदर जलील करते रहे सां यार उदो मां याद नहीं आई जो बुढ़ी के नाल रल के ते मां नूं कुत्ती कहिंदा रहा ते मां नूं कहिंदा रहा कि मां ते है ही बेवकूफ ते पागल रौला पाती रही ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ
ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਕਾਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਖਾਂਦਾ ਰਹੀਆਂ ਵੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਸਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਰਸਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ ਆ ਅੱਜ ਵਕਤ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਕੋ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗਾਨੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਂਭਦੀ ਜਿੰਜ ਜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਰਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਓਗੇ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੁਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਗਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਵੜ ਗਏ ਕਦੀ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ ਅਖੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੂੰ ਡੁਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵਗੇ ਅਖਨੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੁਰ ਗਈਏ ਅੱਜ ਪਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਅਨੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਪ ਮਰੀ ਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਰਨੀ ਇੱਕ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪਾਜੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪਾਜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖਵਾਲੀ ਅਨੀ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਡੁਰ ਗਈਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਨੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਡੁਰ ਗਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹ ਮਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁਰ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਡੁਰ ਗਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੇਫਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਂ
मैनू फिकर लग जाती है ए मैं अपनी बेटी दवा दे एदा जहेज भी बनाने अपनी बेटी की शादी करनी है ए मां एक एक रुपया करके पुत्रा खुल कदी अपने हामद करे ए दस दस सौ सौ करके जोड़ जोड़ के ओ मां अपनिया बेटिया दे जहेज बना दिया रेंदिया ने ए पुत्र कहंदे नहीं अम्मा अदे ते छोटी जी पैने अदे ते छोटी जी नी निकी जाइए कादियां फिकरा पै गई ने ए मां रो के कहंदी है ओ वे पुत्रो तुहानू की पता ही होवे ओ बेटी जदों पैदा हो जाए मावां नू फिकरा लग जांदियां ने ए पता नहीं मां अज दिंदा है कल नू मैं रहना कोई नहीं ए मेरी बेटी दे चा किरने करने ने पता नहीं मेरी बेटी ने दुनिया तू जदों मैं टुर जावा ए मेरी बेटी नू को पूछे ना पूछे बेटी जड़ी अगले घर दे मैं मुकद्दर खिंजदी होनी ने ए मावां हुंदियां ने जड़ियां फिकरा करदियां ने अज बेटियां दियां शादियां हो जा जदों मां बाप टुर जा ओए भैणां जड़ियां ने अज भरावां ते बूवे दियां दियां बड़ियां थंग के ते चक के आउंदियां ने ए बड़ी बड़ी देर बाद आउंदियां ने आंदियां ने अज बाप मर गया जदों दी मां टुर गई है हुण ते कर जान नूं दिल नहीं करदा नी मैं जदों भी कर जानी आ ए मां दे बगैर मेरा वेड़ा मां दा हाली नजर आउंदा ए मां दा कर मां तू बगैर खाली नजर आउंदा ए मैनू ते अपनी मां दा कर मैनू खान नूं पैंदा ए मां मरे ते ए पेके मुकी दे ओ प्यो मरे ए करविला ओ शाला मरनिना अवीर किसे दे ओ उजड़ी जांदा अजे मेला ओ शाला मरनिना अवीर किसे दे ओ उजड़ी जांदा अजे मेला ए पूछना ते भाई नथीर नु पूछो यार अज मां दुनिया तो डर गई है आ देखिया जे ईद आन वाली है ए ईद दियां खुशियां उहनां नूं ही हुंदियां ने जिन्हां दे सिर दे उत्ते ए मावां दे थाए हुंदे ने खुशियां भी उहनां नूं हुंदियां ने जिन्हां दे बाप ते मावां ही हुंदियां ने अल्लाह दी कसम करिए थरमदा ऐ दो डेढ़ दो साल पहले वड्डी ईद तों अठ दिन पहला मेरी अम्मी जी दुनिया तों डर गईयां मेरी अम्मी जी फौत हो गईयां ए जनाब ईद दा दिन आया ईद दी नमाज पढ़ के लोकी एक दूजे नूं गल नाल ईदी मिलदे ने लेकिन यार मैनूं मां दिया खाई जांदी है पई मेरियां अखां ते बेसाख दा अथरू जारी हो गए ने मैं अपने मुंह ते अज रुमाल करके लोकां कोल मुंह छपाना पिया मैं रोंदा रोंदा घर टुर गया अपने कमरे विच जाके रो रिया असी चार भरावां चमी भरा अपने अपने कमरिया ते बढ़ के अभी अम्मी नू याद करके उची उची रोनिया पे अल्लाह दी कसम ईद दा दिन आंदा कोई अपने सौरियां ते टुर जांदा है कोई अपने यारां नू ईद मिलन वास्ते टुर जांदा है ओए जिन्हां दियां मावां मर जाए ओए किधरे नहीं जे जांदे ओए ईद दी नमाज पढ़ के ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਈਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ
सब परदेसी करानू आए यो नहीं आते यो नहीं जाते अपरित मुहम्मदी ए मोदी जिना नू लै जावे अभी चवे परा रो रहे हैं कब्रस्तान दे मैं कब्रस्तान दे अंदर उन्हें बेटियां नो तियां नो रोंदियां वेखिया जड़िया ईद दा दिन अपनी मां दी कब्र ते रोंदियां ने पईयां ईद दा दिन अभी अपनी अम्मी दी कब्र ते रो रहे हैं दो भैणां ने बुरका उन्होंने पाया वे नौजवान मेरिया भैणां एक कब्र ते रोंदियां ने पईयां एक निकी जी उन्होंने नाल बची है तकरीबन पांच छे साल दी है वो कब्र दे उत्ते लेट दी है ते जनाब रो के कहंदी है अखे मामा जी उठे ना मुझे ते बात करें मामा जी मुझे ईदी चाहिए मामा जी मुझे आपने ईदी के कपड़े लेके नहीं दिए अखे मामा उठे आपकी बेटी आई है ओ बेटी जनाब रो रही है ए जनाब मैं ताई ते कहना जिनू दुख लगा होवे ओ ए जिनू सट वजी होवे ओ जिनू लगी होवे लगियां वाले जानदे ने ए दुखिए दी गले भाई दुखिया जाने सुखिये नो की खबरा ओ मां प्यो जिना दे ओ मां प्यो जिना दे ए आज मौत ने मारे और रोंदे ने ताके तक कबीरा आज भाई नदी नु पुछो यार इना दे पुत्रा नो जड़े अपनी दादी नु याद करके रोंदी होंगे आज दादी टर गई है भाई आप नु पुछो यार ए जड़े नानी नु याद करके रोंदी होंगे अल्लाह दी कसम आज मामा नालो बद के दादियां बहुता प्यार कर दिया ने ए नानियां जड़िया ने अपनियां मावां नालो वध के ए नवासियां नाल प्यार कर दिया ने आज कदर कर लो आज वक्त पता नहीं कितों इना टुर जाने ए मावां ठंडियां जावन यार मैं ताई ते कहने यार अजमता की सुनावा मां दिया अजमता की सुनावा मां दिया अजमता की सुनावा ओ मादिया उतार दिंदिया ने ए दुआवा ए मादिया यार उतार दिंदिया ने ए दुआवा ए मादिया ए बाल चटती करी करनो आमदा नहीं और रैन पुवे ते इनकावा ए मादिया
और रैन पुवे ते ए मावां हुंदियां ने ए रात नूं पुत्तर कम तो लेट जाए ए मावां दियां नजरां दरवाजे ते लगियां रहिंदियां ने ए कदी कहिंदियां ने वड्डे पुत्तर नूं मां कहिंदी ए अवे पुत्तरा तेरा फोन करे ए तेरा निक्का भरा नहीं आया कदी उहनां दे बाप नूं कहिंदियां ने आखे गुड्डू दे अब्बू फोन करो मेरा पुत्र रात दा एक वचन दिया वे ए मेरा पुत्र हदे क्यों नहीं आया ए मावां ही हुंदियां ने ए जिहड़ियां फिकरां करदियां ने उड़ीकां करदियां ने और रैन पुवे ते ए रैन पुवे ते ए निकावां ए मां दियां ए रो पड़े प्यारे मुहम्मदी मुस्तफा ओ याद जदी आया ए वफावा ए मादियां ओ याद जदी आया वफावा मोहब्बत का प्यार कोई नहीं जे करदा अज वक्त अपनी मां ते बुड्ढे बाप दी इज्जत करो ते उना दी कदर कर लवो जिथे मां दी इज्जत करदे हो ना ते बुड्ढे प्यो दी भी इज्जत ते कदर करिया करो यार अल्लामा हाफिज़ असलम साहब पिछले वेले दी गल है बड़ी पुरानी एक बंदे ने रब दी बारगाह च दुआ कीती या अल्लाह जे तू मैनूं पुत्तर दवे ते मैं तेरा घर बनावांगा मस्जिद की करांगा असी अजकल ने या अल्लाह जे असी ते अजकल अल्लाह ते ते तवक्कल रखिया नहीं असी पीरां कोल जाने जे पुत्तर देवे ते असी इत्थे दरबार बनावांगे या दाता साहब या पाक पतन सेवन सरकार को जावांगे ते उत्थे दो ढोल आले लैके मैं ते फिर जनाब जिहड़ा काका गुड्डू होवेगा गुड्डू ते गुड्डू दी अम्मा सी नचदे टपदे भंगड़े पांदे सी जनाब इत्थे आके तां ते सलामी करांगे ओ जे दुआ ते मन्नत मन्नी होवे ते इंज दी मन्निया करो दुआ कीती या अल्लाह पुत्र दवे ते मैं तेरा घर मस्जिद बनावांगा अल्लाह ने एक नहीं दिता फिर अल्लाह ने चार पुत्र अता फरमा छड़े यार चौबी पुत्र तीन पुत्र पढ़ लिख के ना ते अफसर बन गए ते एक जड़ा सी ना विचो ओ दरवेश सी ए जड़े हुशियार चलाक होंदे ना पढ़े लिखे बहुते ते ये बहुतियां शियारियां भी खेड़दे ने अब्बे नूं दादू ला के ते भरावां नूं भी आपां ते जायदाद ते जमीन अगे पिछे पैसा भी अगे पिछे है अपने नाल ते प्लाट भी कर कुर लैंदे ने ओह दरवेश सी ना जिहड़ा शरीफ दरवेश होवे ना ते उहनां दे हिस्से विच ना ओहो जिहा जिहड़ा बच्चा हुंदा ओहदे हिस्से विच जां ते बुढ़ा बाप हुंदा जां मां हुंदी है यार ओह तीन भरा सन ना ते अम्मा अब्बा बुढ़े हो गए ते आपस च दोवे लड़न लग पे कहिंदा है बई अम्मा अब्बा बुढ़े हो गए ने उहने आखिया जी आ घर मेरा उहने आखिया प्लाट मेरा है ओह दोवे आंदे ने ओह भी फलाने पैसे अब्बे दे ने ओह भी मेरे ने ओह आंदा है इह घर दा फ्रेंड मेरा है ओह तीजा हाफिज़े कुरान सी ओह चुप उहने आखिया निकिया तैनूं की चाहीदा फजी ओह तुसीं भी कोई मुतालबा करो उन्हें कहा तुसी वड्डे हो मैं निक्का वां तुहाडा दिल करे ते दे छड्डो ना दिल करे ते ना कुछ भी दियो जे लेकिन मैं इक्को ही मंगना बुढ़ी मां ते बुढ़ा बाबा मैनूं दे दिया जे यार उन्हें कहा की करेगा उन्हें कहा तुसी दुनिया की दौलत चे दुनिया की दौलत वास्ते लड़ लड़ के मर चले हो तुहानूं की पता वी दुनिया की दौलत मर के ते इह ते खत्म हो जानी है ते दुनिया की दौलत कबर विच जाना है ते इह कबर विच ते जाणी कोई नहीं ये दुनिया ती कम आनी है कबर हशर विच कम नहीं आनी वह तुहानू की पता हो चलियो वो हकीकत विच माँ बाप ही दौलत ने जिहड़ी माँ बाप जी दौलत ये दुनिया विच भी कम आनी है कबर विच भी ते हशर विच भी कम आनी है यार
ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਓ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਤ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰਾ ਗੁਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੱਤ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਅਖੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੇ ਦਾ ਲੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦਾ ਲੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਗਾਰੇ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੋ, ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਹੋ ਪਾਗਲ ਹੋਏ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਵੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਬਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਇਧਰਾ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਧਰਾ ਫਿਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਚੰਦ ਕਦੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ, ਥੈਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਕਦਮ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਥੈਲੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਰਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਾਮਾ ਕੋਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਏ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਰੱਖੀ ਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਈ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਏ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। 7 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਇਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
एवं तीन लोकी अज रोंदे मावान मां दियां यादा गम दे हार परो दियां इक वेड़े विच तिनिया कंदा हो गया ओ मां ने जोड़ी रखिया सी सब भैन भरावानो एवं तीन लोकी रोंदे मावानो ओ जहर जुदाइया वाला पीना भैन सुल्तानी हुन मर मर के जीना पैना है ओ जहर जुदाइया वाला पीना पैना है उमर सुल्तानी मर मर के हुन जीना पैना है कित्थों लब्बा कित्थों लब्बा यार मैं मां दियां खुलियां बावानो एवं तेन लोकी रोंदे من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين يا پروردگار میرے مولا یقینا سارے اے تیرے گنہگار بندے اے روزے دی حالت دے اندر بیٹھی ہونے نے یا اللہ اے قبولیت دا وقت تے تیرا فرمان ہے جد روزہ افطار دا وقت ہوندا تے میں روزہ دار دی دعا نو رد نہیں کردا میرے مولا मेरे मौला असी तेरी बारगाह आलिया दे अंदर अपने गुनाहगार हाथ उठा के इको एक दुआ इल्तजा लैके आया मेरे मौला भाई नसीर उन्हां दी वालदा मरहूमा मफूरा अल्लाह उन्हां दी कामिल बख्शिश मफरत अता फरमा यार बलालमीन या परवरदिगार मेरे मौला असी तेरे गुनाहगार बंदे ए तेरी बारगाह आलिया दे अंदर अपने अपने गुनाहगार हाथ नहीं उठा के बैठे आ अल्लाह इको दुआ इको इल्तजा करने आ ए भाई नसीर उन्हां दी वालदा मरहूमा मफूरा अल्लाह मां दी दी कामिल बख्शिश ए मगफरत अता फरमा अल्लाह मां जी दियां कब्र दियां मंजिलां नूं आसान फरमा अल्लाह दुनिया दे अंदर रह के अगर मां जी कोल दुनिया दे अंदर ए गलतियां कुताइयां सगीरा कबीरा गुनाह हो गए अल्लाह मेरे आका दी अम्मी आमिना दा वादा ए मेरे आका नूं दुध पिलान वाले अम्मा दाई हलीमा दा वादा अल्लाह ए मां दी दे सगीरा कबीरा गुनावां नूं माफ फरमा के ए जन्नत दे अंदर आला तो आला मुकाम दा फरमा या अल्लाह जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने अपने वालदैन दी इज्जत करके हिदमत करके अल्लाह तेनू ते तेरे यार नूं राजी करने दे तौफीक अता फरमा ए जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो चले गए ने अल्लाह अपने मां बाप दियां कब्रां ते जाके दुआए मगफरत करने दी तौफीक अता फरमा अल्लाह दी मैदान करबला अंदर ओए जड़ी नन्नी जई बची अपने बाबल नूं बाजा मार दी रही अल्लाह तेनूं उस नन्नी जई सकीना दी यतीम दा वादा ए दुखी ते यतीम बेटियां ते अपना खास फजल फरमा अल्लाह सोनिया ए सैयद ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबद दा वादा ए कुली बीमारा नो शिफा अता फरमा हजरत अब्बास अलमदार दे कटे हुए पादुआ दवाता अजकल दे भरावां दे अंदर भी हजरत
حضرت عباس ورگیاں وفاواں عطا فرما اللہ جن نے دے دینو کتے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس تاری قرآن دی تلاوت دا واسطہ اج سانو وی قرآن پڑھنے دی اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اے جتنے بھی میرے گناہگار اللہ میرے اے بزرگ نوجوان بیٹھے نے نیک دعاواں التجاواں قبول فرما جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زباں پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر الکی